यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जिस तबाही से पूरा देश अलर्ट पर था, उसी तबाही से हरियाणा की मंडियों के मालिक बेखबर थे। दो दिनों के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए, लेकिन सरकार के दावों की पोल अनाज मंडी ने खोल दी। जिस तूफान ने देश को हिला दिया, जिस तूफान के अंदेशे ने स्कूलों को बंद करवा दिया, जिस तूफान की तबाही से देश अलर्ट हो गया, उसी तूफान से हरियाणा की मंडियों के मालिक बेखबर थे। या यूं कहे कि खबर थी, लेकिन किसानों का गेहूं पानी में बहने के लिए छोड़ दिया गया था। मौसम विभाग के अनुमान पर यकीन कर पूरा देश अलर्ट पर था, लेकिन हरियाणा की जिम्मेदारी को किसानों की फिक्र ही नहीं थी। किसानों की मेहनत सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई और खरीदार के इंतजार में पड़ा गेहूं पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें भिवानी या चरखी दादरी की नहीं है, पूरे सीजन पूरे हरियाणा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां किसान महज एक मजाक है और बदहाली और बर्बादी उसकी किस्मत है। ये तो नहीं कि भी हमारा जो उचित प्रबंध करे, हमारा जो दो दिन से पड़े हम, अगर मंडी मंडी में प्रबंध की बात की जाए, अनाज की जिंदगी सेफ्टी की बात की जाए, तो क्या सेफ्टी है? सेफ्टी तो जी कुछ नहीं, वो हमारा हाँ जी खुले आसमान में पड़े हैं और दो दिन से पड़े हमारा माल आज नहीं रहा। भाई नाट गई, भाई मना कर दिया ही नहीं, भाई आज माल मत लेना, तो हम दो दिन से पड़े हैं यहाँ, काफ़ी परेशान हैं। कमाल की बात है कि दो दिन से पूरा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बता रहा है कि देश में आंधी आने वाली है, बारिश होने वाली है, तूफान की आशंका है, लेकिन किसानों के हिमायती और हरियाणा की हुकूमत को किसानों की ये हालत दिखाई नहीं दे। किसानों के अरमान पानी में आखिरकार बह ही गए। इस टाइम पर उठान नहीं हो रहा है और ना ही जो तारीख देते हैं उस पर भर रहे हैं। कल की तारीख थी वो दो दिन और डगा दिया, कल के ट्रैक्टर खड़े हैं शाम के, तो कल की सुबह तो कह रहे थे भाई हो सकता आज भी कर दे, आज भी पर्ची नहीं हो रही, कल के उसमें कह रहे बारिश में भी नुकसान हो रहा है। टाइम पर उठान हो ही जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती किसान को। जब कोई फसल को बचाने वाला नहीं था, जब जिम्मेदारी से जिम्मेदारी ने मुंह फेर लिया, तो फसल को सुखाने के लिए धूप के इंतजार में ये बैठे हैं। आधी फसल बह गई, आधी बर्बाद हो गई और बची आधी से उम्मीद है कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन जब अब तक सरकार किसानों की फसलों को खरीद नहीं पाई तो आगे क्या खरीदेगी? किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही बदहाली में रहना है। किस्मत को कोसो या सरकार को, बदहाली तुम्हारा दामन नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये बदहाली तुम्हारे हुक्मरानों ने तुम्हारी किस्मत में लिखी है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।